नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक करंट अफेयर्स का पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स में जैसा कि आपको पता है मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस को देखें और नोट्स बनाते चलें साथ साथ, जैसे कि आगामी आने वाले पेपर्स में या एग्जाम्स में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चूंकि ट्रेंड ये है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, अंत तक क्लास में मेरे साथ बने रहेंगे तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 320 साल हो गई एक न्यूज़पेपर को, है ना, अभी हाल ही में चर्चा में था। 320 साल हो गए इस अखबार को, 12 राष्ट्रपति का शासनकाल, 10 सम्राटों का शासनकाल हो गया इसमें, और दो गणराज्यों में ये अखबार जारी होता था या प्रकाशित होता था, इतना इसका हिस्ट्री है। ठीक है, तो एक समाचार पत्र है जो कि अभी चर्चा में रहा, चर्चा में इस वजह से रहा कि 320 साल पुराना इतिहास इस समाचार पत्र का था, हाल ही में बंद हो गया, वहां पर बंद कर दिया गया, तो बंद हो गया इस वजह से ये चर्चा में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अखबार का नाम है बिनर जुतंग, ये न्यूज़पेपर का नाम है जो न्यूज़पेपर 320 साल तक रहा, बिनर जुतंग, और कौन से देश का अखबार, वियना, और वियना की राजधानी है ऑस्ट्रिया में, ये अखबार निकलता था, इस राजधानी में निकलता था। ठीक है, वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में, यहाँ से होकर के एक नदी बहती है और नदी का नाम है डेन्यूब नदी, पढ़िएगा यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो ये अखबार याद रखिएगा अच्छे से, 320 साल तक के इतिहास का न्यूज़पेपर था विनर जुतंग, जो कि हाल ही में बंद हो गया। आगे बात करते हैं, एक उत्सव मनाया गया कीचड़ उत्सव, कहाँ पे मनाया गया जी, गोवा में। कीचड़ उत्सव ही मनाया जाता है भैया गोवा में। इंडिया में, दुनिया में बहुत सारी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज है, तो वो सब अपने अपने लोग अपने अपने हिसाब से मनाते हैं, तो कीचड़ उत्सव गोवा में फेमस है, मनाया गया। आगे बात करते हैं यूनेस्को की। टॉप 10 क्वेश्चन है, इनको नोट करते चलेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। तीसरी बार यूनेस्को में शामिल हुआ है अमेरिका, ठीक है, तीसरी बार शामिल हुआ है, सबसे पहले 84 में, फिर दूसरी बार 2017 में, अब तीसरी बार 2023 में शामिल हुआ है, ये तीनों वर्ष हैं। सबसे पहले अमेरिका यूनेस्को में 1984 में शामिल हुआ था, उसके बाद 2017 में, और अभी हाल ही में 2023 में, नोट कर लेना। यूनेस्को एक सांस्कृतिक और हेरिटेज जो बिल्डिंग्स होती हैं, यह शांति के लिए या शिक्षा के लिए विश्व भर में काम करता है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पर, पेरिस में स्थित है यूनेस्को का। स्वयं सहायता समूह, इससे संबंधित आमतौर पर आप जानते हैं कौन होती है, महिलाएं, महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया गया था, काफी पुराना चल रहा है ये भारत में, 1975 के समय से, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इनके उत्पादों के लिए जो महिलाएं गाँव में जो उत्पाद बनाती है, अपने प्रोडक्ट बनाती है, तो उनको बेचने के लिए सरकार ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक ऐप बनाया है, इसका नाम है ई सरस ऐप। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण मतलब गांव के विकास के लिए जो मंत्रालय काम करता है, उसने महिलाओं के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद बनाती है गांव गांव स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उसके लिए एक ऐप जारी किया है ई सरस ऐप, इसके माध्यम से प्रोडक्ट को सेल कर सकती है महिलाएं। भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी चीजें हो सकती हैं, जो भी वस्तुएं हो सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो किया है भारत में, जो पहले स्थान पर है, वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, छाप लेना, नोट कर लेना भाई साहब। ठीक है, आगे बात करते हैं दूदू पंचायत, ये बड़ी चर्चा में है दूदू पंचायत, और ये दूदू पंचायत है कहाँ पे, जयपुर में, जयपुर में स्थित है, जयपुर बोले तो राजस्थान की राजधानी। ठीक है, इसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने करी थी, एक राजा थे, तो दूदू पंचायत को सीधा जिला बना दिया वहां की सरकार ने, और ऐसा हुआ है पहली बार राजस्थान के इतिहास में, किसी पंचायत को, पंचायत समिति को सीधा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, और इस पंचायत का नाम है दूदू पंचायत, जो कि जयपुर के अंतर्गत आती थी पहले। ठीक है, अब एक जिले के रूप में जाना जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोला गया है, जे प्राकृतिक संबंधित एक पार्क खोला गया है, इस तरीके से समझ लीजिए, सबसे बड़ा है ये, नेचुरल मतलब प्राकृतिक से, प्रकृति से संबंधित है, उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसे भी याद रखना। आगे बात करते हैं अन्ना भाग्य योजना, अन्ना भाग्य योजना कौन से राज्य ने शुरू करी है, हाल ही में कर्नाटक ने, कर्नाटक में नई सरकार चुनी गई है, आपको बताइए, सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री बने, डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस की वहां पे सरकार है, तो उन्होंने एक योजना शुरू करी है अन्ना भाग्य योजना, कर्नाटक राज्य में शुरू की गई योजना है। ठीक है, आगे बात करते हैं एससीओ, एससीओ का एक सम्मेलन होता है, इसमें 8 देश शामिल है भारत सहित, 23वें एससीओ की हाल ही में बैठक हुई, तो इस की अध्यक्षता किसने करी है, भारत ने करी है, है ना, 23वें एससीओ की अध्यक्षता किसने करी है, भारत ने करी है, ये नोट कर लेना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अधिवेशन को संबोधित किया था, 23वें एससीओ के अधिवेशन को। ठीक है, नोट कर लेना। 24वां जो अधिवेशन होगा इसका एससीओ का,
24वां अधिवेशन होगा, सम्मेलन होगा, वो कौन से देश में होगा? कजाकिस्तान में। 24वां भी लिख लो। और 24वां कब होगा? 2024 में होगा। 24वां 2024 में होगा। 23वां भी भारत ने अध्यक्षता करी है, इंडिया में हुआ एससीयू सम्मेलन, जिसमें भारत, पाकिस्तान, रूस और मध्य एशिया के देशों सहित 8 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश? 8। और एससीयू की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। ये भी लिख लेना, 2001 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व शांति सूचकांक आया अभी हाल ही में, कौन सा सूचकांक आया बेटा? विश्व शांति सूचकांक आया। तो कौन से देश में सबसे ज्यादा शांति और कौन से देश में अशांति है, इस आधार पर ये इंडेक्स जारी होता है विश्व में। तो सबसे ज्यादा जो शांति वाला देश है दुनिया का, वो कौन सा बेटा? आइसलैंड, यूरोप महाद्वीप का देश है, याद रख लेना। वर्ष 2008 से लगातार है ये पहले स्थान पर बेटा स्थित है, वर्ष 2008 से लगातार पहले स्थान पर है, और अभी भी 2023 में पहले स्थान पर आइसलैंड है। और भारत की जो रैंक है, भारत की रैंक इस समय 126वें स्थान पर है भारत, और इससे पहले 135वां स्थान था विश्व शांति में, और अब है 126वां स्थान दुनिया में भारत का। नोट कर लेना, कौन से सूचकांक में? विश्व शांति सूचकांक में। और इसमें जो सबसे अंतिम देश है विश्व शांति सूचकांक में, अंतिम देश अफगानिस्तान है, 163वां देश। अंतिम देश कौन सा है? अंतिम देश भी विश्व शांति सूचकांक में लिख लेना, 163वें स्थान पर है। क्या नाम है इसका? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान है, इसमें बिल्कुल शांति नहीं है भैया, सबसे ज्यादा अशांति है अफगानिस्तान में। और पहला देश आपको पता ही है, पहला कौन सा है? आइसलैंड, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा शांति है। कोई बॉम्ब ब्लास्ट से संबंधित आंदोलन जुलूस वगैरह ये भी बहुत सारी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो नोट करते चलना, छाप लेना। टॉप 10 क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स के, जो चर्चा में इस समय सबसे ज्यादा। वर्ष 2023 में नाटो में कौन सा देश शामिल हुआ है? नाटो आप जानते हैं सेना का सबसे बड़ा संगठन है, अगर बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज का, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी देशों में सेना का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका नाम क्या है? नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में स्थापना हुई थी नाटो की। कब स्थापना हुई बेटा? 1949 में। ठीक है, इसका हेड कौन है? अमेरिका इसका हेड है। तो 2023 में इसमें जो नया देश शामिल हुआ है, इसका सदस्य बना है, वो कौन सा देश? फिनलैंड। नोट कर लेना बेटा, कौन सा देश इसका सदस्य बना है 2023 में? फिनलैंड। और फिनलैंड बेटा किसके लिए जाना जाता है? हजारों झीलों का देश इसको कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी। इसकी राजधानी फिनलैंड की हेलसिंकी है। यूरोप का देश है और हजारों झीलों का देश कहा जाता है, या हजारों झीलों की भूमि भी फिनलैंड को कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। और जो विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड है, इसकी राजधानी है रिकजाविक। आइसलैंड की कैपिटल भी लिख लेना, क्या है? रिकजाविक, जो को पहला स्थान है विश्व शांति में, और भारत का 126वां स्थान है। और दुनिया की सबसे ज्यादा अशांति बेटा कौन से देश में? सबसे ज्यादा अशांति अंतिम देश है इसका, 163वें नंबर पर है, अफगानिस्तान। तो ये अभी हाल ही में सूचकांक आया। टॉप 10 क्वेश्चन है, रट लेना, छाप लेना, याद कर लेना, और क्लास को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार। ठीक है, और पुलिस की भर्ती आपको पता ही है बहुत जल्दी आने वाली, बहुत ही ज्यादा जल्दी, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से पढ़ते रहिए भाई साहब, जो वेस्ट टाइम हो रहा है उस वेस्ट टाइम को भी पढ़ाई के टाइम में आप लगाइए। हालांकि घूमने फिरने जाइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप समय पढ़ाई को दीजिए, जो पार्ट सबसे वीक है उसको ज्यादा समय दीजिए। जीएस का सबसे ज्यादा विस्तार रहता है, तो जीएस पे भी फोकस कीजिए। सबसे ज्यादा नंबर किसमें आप गेन कर सकते हैं, जैसे हिंदी या रीजनिंग में, तो उसमें सबसे ज्यादा आप मेहनत करिए हिंदी और रीजनिंग में। ठीक है, तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।